नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते लोगों का जीवन हराम भी हो चुका है। तो ये खबर रहने वाली है, आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में ठंड के तेवर कड़े, चार ज़िले रहे सबसे ठंडे, 26 से फिर बदलेगा मौसम, यहाँ होगी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में सूखी ठंड के तेवर और कड़े हो रहे हैं, ऐसे में यह सूखी ठंड लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। शीतलहर और धुंध का रविवार को सबसे अधिक असर चंबा, सिरमौर के धौलाकुआं व ऊना में देखने को मिला। चंबा के डलहौजी में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक 7.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 9 डिग्री पर पहुँच गया। बता दें, जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सिरमौर के धौलाकुआं में अधिकतम तापमान में 4.2 डिग्री और न्यूनतम में 3.5 डिग्री की गिरावट आई है और ऊना में भी तापमान में गिरावट आई है। बता दें, मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार 26 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व ऊंचे क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं आज भी प्रदेश के चार जिलों मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर में घनी धुंध के साथ शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा में अधिकतम तापमान में 4.7 डिग्री की वृद्धि हुई है, जो प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि रही। रिकांगपी और कल्पा में भी करीब 3 डिग्री की अधिकतम तापमान में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल में आज भी शीतलहर का दौर जारी रहेगा। चार जिलों मंडी, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर में घनी धुंध के साथ शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं सोलन व सिरमौर में भी धुंध पड़ने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये है बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में सूखे ठंड के तेवर और कड़े हो गए हैं, जिसके चलते हिमाचल में सूखे ठंड लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। तो अभी के लिए यह है बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।